रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल हमास युद्ध, मौजूदा समय में दुनिया एक साथ कई युद्धों की गवाह बनी हुई है। ये युद्ध भले ही दुनिया के अलग अलग कोने में लड़े जा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ताज़ा हालात बयां करते हैं कि सुपर पावर अमेरिका रूस यूक्रेन और इसराइल हमास इन दोनों की जंग में एक कॉमन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूती दे रहा है, जिसके चलते पुतिन के लिए यूक्रेन की मदद करने वाला पश्चिमी खेमा किसी दुश्मन से कम नहीं है। रूस इस बात से वाकिफ था कि जंग में वो समय के साथ अच्छी बढ़त बनाकर यूक्रेन को पीछे ढकेल देगा, लेकिन यूक्रेन को नेटो देशों से मिलने वाली मदद ने इस जंग को काफी लंबे समय तक जारी रखने में सहायता की और पुतिन इस बात से बेहद गुस्से में रहते हैं। इसी वजह से पुतिन ने कई बार इन देशों को वार्निंग भी दी है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जाता है कि जिस तरह से नेटो ने यूक्रेन की मदद की, उससे पुतिन अब नेटो के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसी कड़ी में पुतिन ने पहले भी कई बार चेतावनी दी है कि पश्चिम को रूस यूक्रेन युद्ध में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन पश्चिमी खेमा रूस को ही इस जंग में किनारे लगाने की फिराक में है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को अब रूस में घुसकर हमला करने की छूट दे दी है। यूक्रेन को ऐसे ऐसे हथियार मिल रहे हैं जिसके दम पर वो अब रूस में काफी अंदर तक हमले कर रहा है, लेकिन अब पुतिन ने ऐसी चेतावनी दी है जिससे दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। रूस ने परमाणु हमले को लेकर अपनी नई नीति का ऐलान किया है। पुतिन ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और कहा कि अगर हवाई हमला ऐसे ही जारी रहा तो रूस परमाणु हमला कर इसका करारा जवाब देगा। В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного. Обновленные редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие ли. इसी कड़ी में रूसी खुफिया एजेंसी ने सितंबर की शुरुआत में कहा था कि यूक्रेन युद्ध को वेस्टर्न देशों द्वारा बढ़ावा दिए जाने के बाद अब रूस के लिए परमाणु सिद्धांत को संशोधित करना आवश्यक हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने इस मीटिंग के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने की अनुमति देने पर चिंता जताई, जिसके बाद कहा कि अगर वेस्ट यूक्रेन को रूस पर बमबारी करने के लिए ऐसे हथियार चलाने की इजाजत देता है तो ये सीधे रूस के साथ युद्ध जैसा होगा। मॉस्को को ऐसी स्थिति में सही निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं रूस का मौजूदा परमाणु सिद्धांत कहता है कि वो केवल तभी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा जब उस पर परमाणु हमला होगा। अमेरिका और रूस के बीच एक परमाणु संधि भी है, जिसे यूएस रूस न्यू स्टार्ट संधि कहा जाता है, जो 5 फरवरी 2011 को लागू हुई। एक तरफ भारत रूस यूक्रेन जंग को शांति से निपटाने की कोशिशों में लगा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को उकसा रहे हैं और यही वजह है कि इमरजेंसी बैठक पुतिन ने बुलाई और इसमें एक बड़ा कदम उठाया।